प्रशासन के आदेश अनुसार गजरौला चौपला पर खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों के नमूने किए जांच। हम आपको बता दें कि गजरौला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के चौपला पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने प्रशासन के आदेश अनुसार मंगलवार को कई दुकानदारों के सैंपल फ्री जांच की। वहीं उनका कहना है कि जो लोग मिलावटी काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जैसे ही खाद्य विभाग की टीम चौपला पर पहुंची तो खाद्य विभाग के अधिकारी पंकज सिंह ने बताया है कि आसपास के लोगों की दुकानों पर जाकर मिलावट की चेकिंग की जा रही है ताकि यहां कोई मिलावटी सामान ना बिक सके। वहां पर आई मोबाइल वैन के द्वारा सारे ही लोगों के सैंपल लेने के बाद में जांच पड़ताल की गई। उनका कहना है कि लगभग 50 लोगों की दुकानों के सैंपल जांच किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त महोदय है उनके निर्देश पर प्रत्येक जनपद में फूड सेफ्टी वैन चलाई जा रही है, जिसमें आम जनमानस अपने खाद्य पदार्थों की जिन्हें वो यूज करता है उनकी जांच निशुल्क करवा सकते हैं। इसी क्रम में हमने आज जनपद अमरोहा में फूड मोबाइल वैन जो हमारे यहाँ जनपद में आई हुई है उसे लगभग अभी तक 50 के आसपास नमूने चेक करे हैं, जिसमें जनरली जैसे जो मिठाइयाँ हैं उनमें अभी तक कोई भी ऐसा हानिकारक तत्व नहीं मिला है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जैसे मैदा की मात्रा मिठाइयों में अधिक पाई गई है तो उन खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो मिठाई को मानक के अनुरूप ही बनाएं, उसमें मैदा की मात्रा ज़्यादा ना डालें। जो सील्ड पैकेट मसाले के पैकेट हमने चेक के लिए दिए हैं उनमें खाने के सामान में कोई मिलावट नहीं पाई गई, लेकिन उनके ऊपर लेबलिंग का वॉयलेशन पाया गया है। उन्हें बताया गया है कि जो बेस्ट बिफोर लिखा जाता है वो बड़ा स्पष्ट और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में होना अनिवार्य है। तीसरा, जो दूध और पनीर के यहाँ नमूने लिए गए हैं उनमें कुछ ही परसेंटेज की मात्रा कम मिली है, लेकिन कोई तत्व ऐसा नहीं मिला है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ये कार्यक्रम आज शाम तक संपूर्ण जनपद में चलाया जाएगा। अभी हम गजरौला में लगभग 40 के आसपास 40 से ऊपर नमूने चेक कर चुके हैं। यहाँ के बाद हम हसनपुर जाएंगे और फिर वापस अमरोहा जा करके डीएम साहब के निर्देशन में इस कार्यक्रम की समाप्ति कर देंगे। अच्छा, गजरौला में मिलावटी रसगुल्लों का कारोबार बहुत जोरों पर चलता है, किसान जाँच भी करता लेकिन बाद में खाना पूर्ति करने के बाद काम उनके द्वारा से चालू हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना? हाँ, जो यहाँ मिलावटी रसगुल्ले एक तथा कथित कहा जा रहा है उनके यहाँ टीम द्वारा अचानक से कई रेडे डाली गई हैं जिनमें मैदा की मात्रा लैब द्वारा पाई गई है। उनके रसगुल्लों में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।